हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, मैं आपको बता रही हूँ देवप्रयाग के बारे में। देवप्रयाग जो है उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है और ये भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। और यहाँ पे बहुत सुंदर दृश्य दिखता है अलकनंदा और भागीरथी नदी का। और जो ये अलकनंदा नदी है, इसे बहू के नाम से और भागीरथी सास के नाम से जाना जाता है। और इनको सास और बहू के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि जो सास होती है वो बहुत शोर मचाती है, ऐसे कहावत कहा जाता है। तो जो जो भागीरथी आती है उसकी वो क्या होती है, ढलान, ऐसे ढलान से होके आ रही है तो उसका जो है आवाज़ बहुत आती है। और जो अलकनंदा आ रही है वो एकदम शांत उससे आ रही है, तो इसलिए इन्हें सास बहू के नाम से जाना जाता है। और ये पंच प्रयागों में से एक है देवप्रयाग। और जो हमारे पंच प्रयाग कौन कौन से, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और ये देव प्रयाग, तो ये पंच प्रयागों में से एक प्रयाग भी है। और गाइस, जो गंगा का उद्गम भी होता है वो यहीं पे होता है क्योंकि इससे पहले ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है और देव प्रयाग से ही इसे गंगा के नाम से जाना जाता है क्योंकि इससे पहले ये भागीरथी के नाम से आती है जो कि गौमुख से निकलती है और गौमुख हमारा उत्तरकाशी में है। और गाइस, गंगा के नाम से देवप्रयाग में जानी जाती है जो कि अलकनंदा और गंगा का भागीरथी का संगम है। फिर यहाँ पे गंगा के नाम से जानी जाती है जब इनका संगम होता है। फिर ये वहाँ से होते हुए ऋषिकेश आती और ऋषिकेश से होते हुए ये हरिद्वार आती है। फिर हरिद्वार से आगे बढ़ के ये यूपी में आ जाती है। थैंक यू सो मच गाइस।